कि एक अच्छा गाना है, अच्छा जी, संगीत है, जी, अच्छाई की तरफ आपने उंगली निर्देश किया है जी, इससे आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, जो जमाना चल रहा है वो शीला और मुन्नी का जमाना चल रहा है, बराबर है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो संगीत खराब है, लेकिन वो संगीत आप अपने बच्चों को सुना रहे हैं और बच्चों की पार्टी में वो गाने बजे जा रहे हैं, तो हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए क्या आप बोल रहे हैं ये आपको पता है? नहीं पता। अगर उसके बच्चे के जहन में अगर वही टेस्ट, क्योंकि वो गाना दिन में 50 बार सुन रहा है तो उसको वो याद हो रहा है, वो 4 साल का बच्चा है, उसे नहीं मालूम कि शीला कौन है और मुन्नी कौन है। लेकिन जो चीज़ उस पर हैमर की जाती है उसके संस्कार उस पर पड़ते हैं। तो जब ये गाना अगर 50 बार वो दिन में सुनेगा तो उसके संस्कार अपने आप जो है वो इस गाने से जुड़ जाएंगे। तो इसलिए मेरी जो अच्छाई की तरफ जो उंगली जाती है वो अच्छाई ये है कि वो भी संगीत ठीक है, कमर्शियल, हम कमर्शियल फील्ड में ऐसे गाने आते हैं, चलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यही हमारा संगीत है, आइटम सॉन्ग ही हमारा संगीत नहीं है। देखिए, एक वक्त था जब चोली के पीछे गाना हिट हुआ था, कभी पब्लिक डिमांड नहीं थी। लोग कहते हैं कि पब्लिक डिमांड होती है, तो पब्लिक डिमांड नहीं होती, ये हम जो देते हैं वो लोग सुनते हैं। लेकिन उसी दौर में एक और खूबसूरत गाना चला था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वो भी इतना ही पॉपुलर हुआ। अब ये है कि आप अच्छा सुनना चाहते हैं या बुरा सुनना चाहते हैं, आप अच्छाई की तरफ जाना चाहते हैं या बुराई की तरफ जाना। संगीत दोनों संगीत है, हमारे लिए दोनों ही संगीत है, लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं जिनको हम अच्छा संगीत अभी से सुनाएं तो हो सकता है कि आगे चल के वो हिंदुस्तान के बड़े कलाकार बन जाएं, ना के मुन्नी और शीला। मैं आज सुनूंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ अब तक एक ही गाना सुना है, तो आज एल्बम मिला है तो ये सारा एल्बम सुनूंगा। लेकिन आई एम श्योर, क्योंकि ये बहुत सुलझे हुए आर्टिस्ट हैं और अच्छी संगत में हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आदमी जिस सराउंडिंग में रहता है तो उस चीज़ों से बड़ा उसका असर होता है। हम लोगों ने, यानी कुने जिन लोगों की संगत हमारे फादर के साथ में, जो बड़े बड़े उस्ताद लोग आते बजाते थे, तो उसका असर हम पे होता है। तो वो बड़ा ज़रूरी है कि आप किस सर्कल में घूम रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो आपके काम पर होता है। और अब आज मैं सुनूंगा सारे गाने, मुझे लगता है कि लास्ट 27 को एक एल्बम रिलीज़ हुआ है जिसका टाइटल है हसरतें, और जिसमें जगजीत जी हैं, हरिहरन जी हैं और मैं और सोनाली, हम 4 आर्टिस्ट हैं एक साथ में, और लंदन से कंपोज़र हैं बॉबी जूटली, और जाकिर भाई ने वो एल्बम रिलीज़ किया। तो वो एल्बम अब मार्केट में मुझे लगता है आज आ गया होगा। और इसके बाद एक सूफी एल्बम पर काम चल रहा है जिसका टाइटल है कलमा, उसमें मैं और सुनानी है, उसमें भी हरप्रीत के 2 गाने हैं बड़े खूबसूरत। तो सारा काम चल रहा है। तो ये तो एक दिन का जो है वो छाप लगती है कि भाई आज का दिन जो है वो प्यार करना, क्यों बाकी 364 दिन क्यों नहीं करते। तो हम लोग, लगता है कि हम लोग जो आर्टिस्ट हैं वो वैसे ही रोमांटिक ज़्यादा हैं, और अपने संगीत से भी प्यार है, अपनी महबूबा से प्यार है, अपने फैंस से प्यार हैं, अपने मीडिया से प्यार है, तो ये प्यार जो है वो 365 दिन के लिए। तो मेरे लिए हर रोज़ वैलेंटाइन डे है।